हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की क्लास हमारे इवेपोरेशन पे होने वाली है। पिछली क्लास में हम लोग ने इवेपोरेशन को देखा था, थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था लास्ट में वीडियो के एंड में कि इवेपोरेशन क्या होता है, उसी को आज हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि इवेपोरेशन क्या होने वाला है। तो इवेपोरेशन बच्चों, किसी लिक्विड सब्सटेंस का उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वेपर में कन्वर्ट हो जाना क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। ये प्रोसेस जो होती है वो नॉर्मल बॉइलिंग से काफ़ी स्लो होती है, ठीक ना। यहाँ पर हम कोई एक्सटर्नल हीट नहीं प्रोवाइड करते हैं। जिस भी टेम्परेचर पे आप उसको रखे हो, जैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप लिक्विड को रखे हो, तो वो धीरे धीरे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही कहा गया है कि द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इंटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, ठीक ना, एक ऐसा फिनोमेना, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया जाता है किसी भी तापमान पर बिलो इट्स मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट। यानी उसका वो जो तापमान होना चाहिए, वो टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए, और इसी को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। बच्चों क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। क्लियर है बात ना? अगर आप एक बोल में वाटर ले लीजिए, दो बोल में वाटर लीजिए, उसको आप गैस पे रख दीजिए एक, ठीक ना, एक बोल को आप गैस पे रख दीजिए और बॉयल करना शुरू कर दीजिए, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अपने बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर लेगा, ठीक है, फास्टर होगी ये प्रोसेस, तेज़ी से होगी। और दूसरी तरफ आप एक बोल में ही पानी ले लीजिए और उसको आप अपने रूम पर रख दीजिए, यानी कमरे में रख दीजिए, या कमरे में मत रखिए, छत पे रख दीजिए। इस टाइम गर्मी है तो गर्मी के दिनों में आप छत पे रख दीजिए, तो आपको देखेंगे कि वो प्रोसेस जो है इवेपोरेशन की, वो शाम तक लगभग वो बोल आधा हो जाएगा या आधे से भी कम रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके छत का टेम्परेचर यानी बाहर का टेम्परेचर तो मान लीजिए कितना होगा, मैंने बहुत मैक्सिमम उड़ के गया तो 45 डिग्री 47 डिग्री, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी वो इवेपोरेट हो गया ना वहाँ पर, यानी कि अपने वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो इसी को इवेपोरेशन कहा जाता है कि जहाँ पर उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही लिक्विड इवेपोरेट हो जाए, और ये प्रोसेस स्लो होती है, धीरे धीरे, जबकि बॉइलिंग की प्रोसेस काफ़ी फास्ट होती है। क्लियर है बात ना? ठीक, अब यहाँ पर इसको इस तरीके से समझते हैं, यानी यहाँ पर अब हम लोग फैक्टर्स की बात करेंगे, ठीक ना। इवेपोरेशन की डेफिनेशन तो हो गई, अब हम लोग फैक्टर की बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इवेपोरेशन की रेट को प्रभावित करते हैं या अफेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं। तो क्या लिखा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड। तो चार फैक्टर होते हैं बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेपोरेशन क्या होता है और फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जिनकी वजह से ये जो वाष्पीकरण की दर है ये प्रभावित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, पहला है सरफेस एरिया, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है ह्यूमिडिटी और चौथा है विंड स्पीड। इस पर काफ़ी डिपेंड करता है हमारा इवेपोरेशन की प्रोसेस, ठीक ना। सबसे पहला आपको ये बहुत ही कह सकते हो MCQ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती है, क्या कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। तो आपसे MCQ में पूछेगा इवेपोरेशन इज डैश, चार ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, उसमें से एक ये सही होगा, सरफेस फिनोमिना वाला, ठीक। तो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। अब ये सरफेस फिनोमिना है क्या बच्चों, ठीक ना, इसको समझते हैं। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, ये बात है क्या, इसको समझते हैं, जैसे समझिए। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास किसी कंटेनर में कोई लिक्विड रखा है, कोई लिक्विड है, तो लिक्विड के पार्टिकल होंगे, कुछ लिक्विड के पार्टिकल उसकी सरफेस पर मौजूद होंगे, ठीक ना, कुछ नीचे होंगे कुछ सरफेस पर होंगे। तो सर ये जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं ये रैंडम मोशन करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, रैंडम मोशन करते हैं, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकरा रहा है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, यानी इन ये रैंडम मोशन करते हैं, गति करते हैं, घूमते रहते हैं, तो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो टकराते रहते हैं तो क्या होता है बच्चों, जब एक दूसरे से कोई दूसरा टकराता है तो यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, एक अपनी एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में वो परिवर्तित कर देते, यानी अपनी ऊर्जा वो किसी दूसरे को दे देते। जैसे मान लीजिए
ये एक पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए ज़्यादा थी, ठीक ना, तो जब इन दोनों टकराए तो अब बी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इससे ज़्यादा होगी, कहीं ज़्यादा होगी, हो सकता हो कम भी हो जाए, हो सकता हो ज़्यादा हो जाए टकराने पे। तो मान लीजिए इससे, ये जब इससे टकराया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो और मूव करने लगा, ये फर्दर किसी और से टकराएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से ये आपस में टकराते रहते हैं और जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाती है वो पार्टिकल मान लो सरफेस पर पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? सरफेस पर पहुंच जाते हैं, यानी सरफेस पर वही पार्टिकल मौजूद रहते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हुई होती रहती है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहती है, वो सरफेस पर पहुंच जाते हैं। अब इनको हल्की सी एनर्जी चाहिए और ये वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो नीचे हैं, इनर लाइन पार्टिकल, तो ये जो सरफेस के पार्टिकल, वो अपने इनर लाइन पार्टिकल से कुछ हीट एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं जब ये इनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी रहती है। हल्की सी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की और कन्वर्ट हो गए किसमें? वेपर के फॉर्म में, वेपर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गए। फिर इनकी जगह नीचे से दूसरे पार्टिकल इनकी जगह आकर के ले लिए, इनकी जगह ये चले गए तो इनकी जगह ये नीचे वाले पार्टिकल आकर के ले लेंगे। क्लियर है बात ना? तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि सरफेस के पार्टिकल्स या सरफेस के कह सकते हो लिक्विड ही, लिक्विड पार्टिकल्स ही किस में कन्वर्ट होते हैं? वेपर में कन्वर्ट होते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सरफेस फिनोमेना कहा जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? सरफेस फिनोमेना, इसीलिए बोला जाता है, और कोई रीज़न इसमें नहीं होता। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सरफेस फिनोमेना। क्यों? क्योंकि वाटर के पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं तो एक दूसरे को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जब एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र कर दे रहे, किसी एक की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जा रही है, ठीक ना, फिर जब बहुत ज़्यादा हो जा रही है तो वो कहाँ पहुँच जा रहा है? सरफेस पर पहुँच जा रहा है। क्यों सरफेस पर पहुँच रहा है? क्योंकि जो सरफेस पर मौजूद पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो सरफेस पर थे। जब सरफेस पर पहुंचे तो वो अपने इनर लाइन पार्टिकल से यानी नीचे वाले पार्टिकल से हल्की सी हीट एनर्जी लिए और कन्वर्ट हो गए किसमें? वेपर के फॉर्म। रैंडम मोशन, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम और ज़्यादा पार्टिकल टकराने के बाद, कोलाइड करने के बाद एक दूसरे से, तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो सरफेस पर पहुँच गया। सरफेस पर पहुँचा, उसको हल्की सी हीट एनर्जी चाहिए, एब्जॉर्ब किया और वेपर में कन्वर्ट हो गया। दूसरी बात कह रहा है, वेयर पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। तो इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना होता है जहाँ पर जो सरफेस के पार्टिकल होते हैं, सरफेस के जो लिक्विड पार्टिकल होते हैं वही किसमें कन्वर्ट होते हैं? वेपर फॉर्म में, मैंने बताया। तीसरी बात कह रहा है, ग्रेटर इज द सरफेस एरिया मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा बच्चों, सरफेस एरिया जितना भी ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतनी ही तेज़ी के साथ होगा। मतलब इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास गीले कपड़े हैं, ठीक ना, गीले कपड़े हैं, उसको फैलाना है हमें। हम बाथरूम से नहा करके निकले, हमने कपड़े धोए और कपड़ों को फैलाना मैं भूल गया, मान लो बाथरूम में कपड़े पड़े रह के वो फैले नहीं, ठीक ना, भूल गया मैं, शाम को आया देखा बाथरूम में कपड़े पड़े हैं लेकिन उस तरीके से नहीं, गीले थे जैसे कि मैंने धुला था, तो उनको प्रॉपर सरफेस एरिया मिला नहीं, यानी कपड़े आपने खोल करके रखे नहीं, खोल करके फैलाए नहीं, तो प्रॉपर इवेपोरेशन नहीं हुआ, सरफेस एरिया कम था, तो जितना उनको जगह मिली उतने में से इवेपोरेशन हुआ, पानी वेपर में कन्वर्ट हो गया, बाकी आधा सूखा आधा गीला आपका वो है। जब आप कपड़ों को फैलाते हो तो पूरा प्रॉपर सरफेस एरिया उनका जितना रहता है वो उतने में आप फैला देते हो, ओपन करके कपड़ों को खोल करके, तो कपड़ों को क्या होता है, ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है। और अगर वही आपने कपड़े को मोल्ड करके रखा हुआ है, फोल्ड करके, और गीले कपड़े हैं, तो तब उस टाइम इवेपोरेशन की रेट स्लो हो जाती है क्योंकि सरफेस एरिया कम है। क्लियर है बात ना? तो ये बात याद रखिएगा, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही तेज़ी के साथ होगा, ठीक ना। क्लियर है बात? सरफेस एरिया, एरिया जितना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा, एरिया कम रेट ऑफ इवेपोरेशन कम। क्लियर है? तो यही बात इसको कह रहा है। नेक्स्ट बात होती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर में हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर तापमान ज़्यादा है, ठीक ना बच्चों, तो इवेपोरेशन की रेट बहुत ज़्यादा होगी, ठीक ना। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। इसका एक एग्जांपल आप कर सकते हो क्या, दो बोल में पानी ले लीजिए, एक को अपने कमरे में रखिए, एक को छत पे रखाइए। रेट ऑफ इवेपोरेशन छत वाले पे
छत वाले बोल के पानी में ज़्यादा होगी, मार्जिन कर देना यानी लाइन बना देना, मार्क कर देना कि, या एक शीशे की गिलास ले लीजिएगा, शीशे की गिलास में पानी रखिएगा, दो शीशे गिलास लीजिएगा और उसको मार्क कर दीजिएगा बाहर से कि यहाँ पर मेरा वाटर मैंने इतना फिल किया है। एक को कमरे में रखिएगा, एक को छत पे रखिएगा। छत वाला जो पानी होगा वो ज़्यादा इवेपोरेट होगा, आपको देखने को मिलेगा कि शाम तक वो बहुत ज़्यादा नीचे हो गया, लेकिन ग्लास जो आपने रूम में रखी उसका इवेपोरेशन बहुत ही मुश्किल से थोड़ा सा हुआ होगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि टेम्परेचर जहाँ पर ज़्यादा था यानी रूम का टेम्परेचर कम है नॉर्मल बाहर के टेम्परेचर से, तो रूम के टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम हुई, छत पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से छत पे इवेपोरेशन की रेट ज़्यादा हुई। इसमें बेसिकली इसमें होता क्या है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की ज़्यादा हो जाती है, सारा खेल काइनेटिक एनर्जी का होता है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड के अपने सरफेस को छोड़ करके चले जाते हैं, सारा खेल काइनेटिक एनर्जी का ही है। यहाँ पर हीट ज़्यादा, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो वो मोशन करेंगे, मोशन करेंगे तो भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यहीं पर साफ साफ लिखा है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड ऑल्सो इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एंड दे कैन ईजिली ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, मोशन होता है। जब मोशन होता है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो मोशन तेज़ी से होगा, गति तेज़ी से करेंगे। जब तेज़ी से गति करेंगे तो एक स्थिति के बाद क्या होगा, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा और ये भाग गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा और ये भाग गए, यहाँ से चले गए। सेम पार्ट, इसीलिए हम इसको सरफेस फिनोमेना कहते हैं। जो सरफेस फिनोमेना क्या है, रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जा रही तो वो वाला पार्टिकल पहुंच गया सरफेस पर। अब सरफेस हल्का सा इसने एनर्जी गेन करी इनर लाइन पार्टिकल से और इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा, भाग गए, उड़ गए। तो इसीलिए बोला जाता है कि जितना ज़्यादा आप हीट दोगे उतने ज़्यादा ये इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा नेबरिंग पार्टिकल्स का और ये कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर में। नेबरिंग पार्टिकल्स मतलब अगल बगल, पड़ोसी पार्टिकल, अगल बगल के पार्टिकल, तो एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, ठीक। तो आपने क्या किया, हीट देना चालू, क्या टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो ये मूवमेंट शुरू होगा इनमें। मूवमेंट जैसे शुरू हुआ, एक सफिशिएंट अमाउंट में इन्होंने ओवरकम कर लिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था और भाग गए बाहर, उड़ गए निकल गए। वही चीज़ इसीलिए सरफेस फिनोमेना इसको बोला जाता था। टेम्परेचर भी यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। दूसरा आपने देखा इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम तापमान बढ़ा देते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो कम होता है या ओवरकम हो जाता है, टूट जाता है तो ये भाग जाते हैं। यानी भागने का मतलब क्या, कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर के फॉर्म में। कौन कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है बेटा, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा इससे रिलेटेड। फिर हम आगे के दो, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी सेकेंड दो जो बातें बची थी, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड की। तो ह्यूमिडिटी के केस में क्या है, मैंने लिख दिया, ध्यान से देख लीजिएगा क्या कह रहा है। ह्यूमिडिटी डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए तब रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, याद रखिएगा। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तभी रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, तभी रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। अब ह्यूमिडिटी है क्या, इसको समझ लो। ह्यूमिडिटी क्या लिखा है, कह रहा है ह्यूमिडिटी मीन्स दैट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, यानी वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, ठीक ना। वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ एयर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ एयर, ठीक ना। इसको हिंदी में कहते हैं आर्द्रता, ठीक ना। तो हमारे अगल बगल बच्चों गैसेस होती हैं अलग अलग, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, CO2, ऑक्सीजन, उसी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना।
ठीक ना। तो वाटर वेपर जो होता है यानी जल वाष्प भी मौजूद होता है। तो अगर ये वाटर वेपर हमारे वातावरण में, ठीक ना, हमारे एनवायरनमेंट में अगर ज़्यादा हैं, तो आप रेट ऑफ इवेपोरेशन वहाँ पर बहुत स्लो होगी, जैसे बरसात के दिनों में बच्चों, ठीक ना। बारिश के समय में क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में वाटर वेपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए बरसात के दिनों में कपड़े कम देर से सूखते हैं, ठीक ना। बरसात के दिनों में कपड़े क्या होते हैं, देर से सूखते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन नहीं हो पाता है। ऑलरेडी इन्वायरमेंट में हमारे ऑप्टिमम लेवल पर H2O के वेपर प्रेजेंट है, तो और कहाँ से निकलें, ठीक ना। इसीलिए इवेपोरेशन की रेट जो होती है वो स्लो होती चली जाती है, ठीक ना। ह्यूमिडिटी क्या होती है, मैंने बता दिया, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ठीक ना, क्लियर है बच्चों बात। तो यही क्या है, ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी मीन्स दैट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। इन केस द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई, मान लीजिए ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, कब होती है, बरसात के दिनों में, नमी की मात्रा, वायु में नमी की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा है, देन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज ऑल्सो हाई। तो क्या होगा, इसका ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसका मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी का मतलब ही वही होता है। सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, काफ़ी कम होगा, स्लो होगा, घटेगा। तो अगर हमें कपड़े जल्दी सुखाने, यानी इवेपोरेशन की रेट ज़्यादा करनी है, तो क्या होगा, क्या करना होगा, ह्यूमिडिटी कम रहे, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जब कम रहेगी तो वाटर वेपर इन्वायरमेंट में कम रहेंगे, जब वाटर वेपर इन्वायरमेंट में कम रहेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। क्यों, कपड़े ज़्यादा सूखेंगे, क्यों सूखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्वायरमेंट में H2O नहीं है या कम है, तो उनके लिए स्पेसेस ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक ना, जो हमारे कपड़े के वाटर वेपर इवेपोरेट होकर के निकलेंगे जो बाहर, उनके लिए स्पेस है, इसलिए वो चले जाएंगे। यही केस होता है बरसात के दिनों में, जब वाटर वेपर माध्यम में यानी मीडियम में बहुत ज़्यादा होता है इन्वायरमेंट में, तो जब कपड़े का इवेपोरेशन ही स्लो होगा, क्योंकि मीडियम में ऑलरेडी H2O है, H2O के वेपर है, ठीक, क्लियर है बात ना। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर की मात्रा वायु में, ठीक। अब दूसरा क्या कह रहा है, विंड स्पीड, तो इंक्रीज इन विंड स्पीड। आपने ज़रूर देखा होगा कि जब हवा तेज़ी के साथ चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वेट क्लोथ जो हैं वो ड्राई जल्दी हो जाते हैं जब हवा काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही होती है। इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, ये लॉजिक होता है कि जब हवा चल रही होती है तो मीडियम में जो वाटर के वेपर हैं वो भी उसके साथ बह रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, ठीक ना, आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो जब वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो जब वो हवा किसी कपड़े से टकराई तो कपड़े से भी क्या करती है, वो इवेपोरेशन यानी कि वाटर वेपर को बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो जैसे वाटर वेपर बाहर निकले, मीडियम में उसके अगल बगल सराउंडिंग में वाटर वेपर है ही नहीं, इसलिए हवा की वजह से वो, क्योंकि वो तो बह के चले गए थे हवा की वजह से जो पहले से मौजूद थे, ठीक ना। फिर से बता दे रहा हूँ, हवा में क्या है, एयर में क्या है, वाटर वेपर है। हवा जब तेज़ चलती है तो ये वाटर वेपर क्या होते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं, यानी हवा की दिशा में भागते रहते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने कपड़ा फैला दिया है इसमें, तो जब हवा इन कपड़ों से टकराती है तो इवेपोरेशन की रेट को बढ़ा देती, क्यों, क्योंकि हवा वाटर को जो कपड़े से टकराई है वाटर को, वो भी क्या करती है, वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकालने की कोशिश करती है। इन्वायरमेंट में ऑलरेडी उसके अगल बगल वाटर वेपर है नहीं और ये निकलते हैं ज़्यादा तेज़ी के साथ, तो ज़्यादा तेज़ी के साथ ये बाहर निकल जाते हैं कपड़े से, ठीक, तो उसके हवा के साथ साथ ये निकल गए तो जल्दी जल्दी सूख जाते हैं कपड़े। यही चीज़ है यहाँ पे, विद इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर मूव अवे विद द विंड, जो पार्टिकल हैं वाटर के वो उसी के साथ आगे की तरफ भागते हैं। एंड डिक्रीजिंग द वाटर वेपर्स इन द सराउंडिंग, और साथ ही साथ क्या होता है, जो सराउंडिंग के वाटर वेपर है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि वो भी हवा के साथ बह रहे हैं, ठीक ना। एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज, जिसका परिणाम ये होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है, ठीक ना। समझिएगा, जब हवा तेज चलती है तो वाटर वेपर भी हवा के साथ साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जब हवा के साथ वाटर वेपर आगे बढ़ रहे हैं तो जो आपने कपड़ा रखा तो वाटर पार्टिकल भी हवा से टकराए, वो भी वेपर के फॉर्म में बाहर आगे की तरफ निकलेंगे, क्यों, क्योंकि स्पेस
वहाँ अवेलेबल है सराउंडिंग में। क्यों? क्योंकि वहाँ के वाटर वेपर हवा से आगे चले गए हैं, तो सराउंडिंग में जैसे ही हवा टकराई कपड़े से तो वाटर पार्टिकल बाहर निकले वेपर के फॉर्म में, तो वो इस तरीके से हवा कपड़े सूखते रहते। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे सरफेस एरिया भी बहुत इंक्रीज़ करता है। अगर आप सर पूरा कपड़ा फैला के रखोगे तभी सूखेगा, ऐसे रख दोगे तो ये काम नहीं करेगा। इसीलिए कहा जाता है सबसे पहली बात यही होती है कि इवेपोरेशन क्या होती है, सरफेस फिनोमेना होती है। क्या होती है? सरफेस फिनोमेना। क्लियर बच्चों? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक ना। इसीलिए देखो एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप किसी नदी के किनारे चले जाइए तो वहाँ पे नदी के किनारे जो है आपने देखा होगा कि ज़्यादा अधिकतर समय जब हवा तेज़ चल रही होती तो उधर कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही होती है, ठीक है। नदी के किनारे हवा बहुत तेज़ चल रही होती है, तो आपने कभी देखा होगा कि लोग जो कपड़े वपड़े ले के आते हैं, अगर मान लीजिए साड़ी है तो दो लोग पकड़ के बकायदा ऐसे फैला के सुखा रहे होते हैं। क्यों? सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया साड़ी का, और वही फिनोमेना वर्क कर रहा है। हवा तेज़ चल रही है, साड़ी को अपने साथ ले जा रही है, उठा उड़ा करके दो लोग पकड़े हैं फिलहाल, नहीं तो उड़ जाएगी। तो साड़ी में हवा लग रही है तो उसके वाटर पार्टिकल क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं वेपर के फॉर्म में। और क्योंकि वाटर वेपर भी वहाँ जो मौजूद थे वो भी बाहर भाग रही है, तो जगह अवेलेबल है, इसलिए वो निकलती चली जा रही, निकलती चली जा रही। हवा जितनी तेज़ चलेगी कपड़े जल्दी सूखेंगे। यही फैक्टर होता है कि आप लोग भी कपड़े हवा में ही सुखाते हो। अगर मान लीजिए स्कूल जाना है, ड्रेस साफ नहीं, रात में धुला, पंखे के नीचे रख दिया, कूलर के सामने रख दिया, सूख गया, हवा से टकरा टकरा के देखो कैसे निकलता है, टकराता है, उड़ता रहता है, पानी निकल रहा है, ठीक ना। तो यही चीज़ होता है यहाँ पे बच्चों, ठीक। तो ये हो गया हमारा इवेपोरेशन, ठीक ना, की टॉपिक से रिलेटेड सारी बातें। अब अगली वीडियो जो हमारी बनेगी वो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे, ठीक ना, इवेपोरेशन के एग्जांपल। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि लोग गर्मी के दिनों पे छत पर पानी छिड़कते हैं, क्यों छिड़कते हैं, क्या होता है उसमें, तो डेली एग्जांपल्स हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और हम लोग उसके बाद फिर चैप्टर को आगे की तरफ लेके चलेंगे, ठीक ना। तो थैंक यू बच्चों, आज ही लेते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम इसके आगे की बात को कंटिन्यू करेंगे। बाय।